शेयर बाजार का हाल आपको बताएं, कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार शानदार तेजी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 450 अंकों से ज्यादा उछलकर 63,384 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 138 अंकों की बढ़त के साथ 18,826 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि बैंक निफ्टी करीब 500 अंकों की शानदार तेजी के साथ 43,938 के लेवल पर बंद हुआ। आईटी को छोड़ सभी सेक्टोरल इंडेक्स में आज हरियाली रही। बाजार में कहां सबसे ज्यादा हलचल देखी गई, बता रहे हैं कुशल गुप्ता जी। तो कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजारों में हमने एक शानदार तेजी का मूड माहौल देखा, जहां पर निफ्टी ने यहां पर रिकॉर्ड स्तरों पर क्लोजिंग होती हुई दिख रही थी। तो जो रिकॉर्ड क्लोजिंग पहले थी 1 दिसंबर 2022 को, उसको भी बीट करके अब सबसे ऊपरी स्तरों पर रिकॉर्ड क्लोजिंग यहां पर निफ्टी की बनती हुई दिखी 18,826 पर। इनफैक्ट अगर आप देखें तो यहां पर काफी शानदार गेन्स रहे थे और बैंक निफ्टी आप देखें यहां पर भी 1.25% तक की दमदार तेजी आज के सत्र में बनी। गेनर्स के लिहाज से कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर सबसे शानदार तेजी रही? HDFC लाइफ 6.5% की दमदार तेजी यहां पर थी, साथ ही SBI लाइफ, बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक्स पर अच्छी तेजी का माहौल था, पर गिरावट थी विप्रो में, बजाज ऑटो पर भी दबाव था, TCS सुबह खबरों के लिहाज से 1.5% की कमजोरी दिखाता हुआ नजर आ रहा था। कुछ स्टॉक्स फोकस में भी रहे, बड़ी ब्लॉक डील सुबह कल्याण ज्वेलर्स में होती हुई दिखी और उसके बाद आप देखिए शानदार तेजी के साथ यहां पर क्लोजिंग हुई। 16-17% के इंट्राडे मूव्स इस काउंटर पर भी बनते हुए नजर आए, साथ ही जो लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई कंपनियां आज ये खासा फोकस में रही। पूरे दिन के दौरान बेहतरीन तेजी लगातार ये सारे के सारे स्टॉक्स बनाते हुए नजर आ रहे थे और नायका का भी इन्वेस्टर डे जो प्रेजेंटेशन हुआ था उसके बाद 5% की दमदार तेजी थी। अशोक लेलैंड आज सर की भी पसंद थी और सबसे बढ़िया बात है यहां पर 6% तक के इंट्राडे मूव्स अशोक लेलैंड, इनके भी इन्वेस्टर डे जो इन्होंने सेलिब्रेट किया था उसमें जो मैनेजमेंट की बेहतरीन कमेंट्री आती हुई दिखी उसके बाद शानदार तेजी रही। टॉप गेनर्स के लिहाज से मझगांव डॉक अगेन पूरे के पूरे शिप बिल्डिंग स्पेस आज फोकस में थी, आलोक इंडस्ट्रीज, MRPL जैसे स्टॉक्स पर अच्छी तेजी थी, पर गिरावट AstraDM हेल्थकेयर, कैप्री ग्लोबल, PVR, आईनॉक्स से यहां पर भारी दबाव आज के सत्र में बना। बट लार्जली अगर आप पैक देखेंगे तो यहां पर बैंक्स के वजह से एक बहुत ही शानदार तेजी आपको निफ्टी में एक रिकॉर्ड क्लोजिंग होती हुई दिख रही थी, तो जो अपने आप में काफी कीर्तिमान आज के सत्र में बनता हुआ नजर आया। अब यही देखना है कि सोमवार को जब हम वापस लौटते हैं तो हमारे बाजार किस करवट बैठते हैं, क्या निफ्टी अपना रिकॉर्ड हाई बना पाएगा या नहीं, ये देखना पड़ेगा सोमवार को जब हम वापस आएंगे।